पेश है मुमरा का आलीशान ढाबा, जहां का स्वाद आपको छू जाए और आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहां पर क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। स्पेशल डिश में पाए चिकन अचारी ड्राई, चिकन हाउसिंग ड्राई, सलोनी ड्राई, हफ्सा राइस और भी लजीज पकवान, बेवरेज आइसक्रीम और फालूदा, फ्री होम डिलीवरी। इसके अलावा दस्तरखान, फैमिली रूम, वलीमा और बर्थडे सेलिब्रेशन स्पेस अवेलेबल। तो आज ही आए आलीशान फैमिली ढाबा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के झगड़े वाली चाल में आग से चार लोग झुलस गए थे, जिनका नाम अलीमुद्दीन सैयद है और उनकी बीवी शबीना सैयद और दो बच्चे इनके हैं फातिमा और एलिना, जिनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। मगर इनके इलाज के लिए मर्जिया शानू पठान सबसे पहले आगे आई थी और इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने से लेकर इलाज में जो खर्च हो रहा है मर्जिया शानू पठान के तरफ से किया जा रहा है। मगर सोशल मीडिया में एक खबर चलाई गई कि इस पीड़ित परिवार की मदद मर्जिया शानू पठान की तरफ से नहीं किया जा रहा है, कोई हॉस्पिटल में देखने तक नहीं आया है। ऐसा एक महिला जो खुद को आग में झुलसे अलीमुद्दीन की रिलेटिव बता रही है और सुरैया नाम से एक क्यूआर कोड भी मदद के लिए दिखाई गई है इस खबर में। इमरान ने बताया कि सोशल मीडिया में जो खबर चल रही है वो झूठ है। खुद पीड़ित परिवार अलीमुद्दीन के बहनोई इमरान खान और उनकी बीवी मेहर खान ने बताया है कि मीडिया में चल रही खबर में जो महिला दिखाई दे रही है, जो कह रही है कि मर्जिया शानू पठान की तरफ से मदद नहीं मिली है, उस महिला को वो जानते भी नहीं है और खबर को बेबुनियाद बताया है। हालांकि ये भी बताया कि जो सुरैया नाम का क्यूआर कोड खबर में दिखाया गया है तो सुरैया उनके रिलेटिव ज़रूर है, मगर सुरैया को भी ये नहीं मालूम कि उसका क्यूआर कोड कैसे वहां तक पहुंचा। इमरान और उनकी बीवी मेहर ने बताया कि मर्जिया शानू पठान के बारे में जो खबर चल रही है वो गलत है। मर्जिया शानू पठान पैसे से लेकर हॉस्पिटल पहुँचाने तक पूरी मदद कर रही है। जिस तरह से मर्जिया शानू पठान के मदद ना करने को लेकर जो खबर चली, उसके बाद से जो हलचल तेज हुई और अब जो पीड़ित परिवार है उनके रिलेटिव इमरान और मेहर ये दो लोग सामने आए और इन लोगों ने ये कहा है कि मर्जिया शानू पठान की तरफ से उनकी पूरी मदद की जा रही है। नाम है आपका? जी मेरा नाम इमरान। अच्छा, ये झगड़े चाल में जो हादसा हुआ था, आग लगी थी जी, तो उनमें कोई परिवार जला था जी, तो वो आपके क्या लगते हैं? जी मेरे साले और उनकी बीवी और दो बच्चे हैं। अच्छा, मेरे साले आपके साले और बीवी जी, दो बच्चे जी। अच्छा, फिर कल रात में एक खबर चली एक चैनल पे, उसमें बताया जा रहा है कि मुमरा का किसी ने भी उनको मदद नहीं की है पैसों से लेकर कोई भी चीज़ को लेकर। नहीं, क्या पूरा मामला है? नहीं सर, ये सारा सर गलत है। शानू भाई के पास हम गए थे और शानू भाई ने अशरफ शानू पठान जो गए थे हम लोग, तो उन्होंने मदद करने का वादा किया और कर भी रहे हैं। और वो चंदा देने और जो भी मना कर रहे थे अपने चाल में कुछ लोग, बहुत से लोग हैं जो कि चंदा कर रहे, तो शानू भाई बोले थे कि कोई चंदा मत दिए, जितना भी खर्च रहेगा हॉस्पिटल का मैं खुद अकेला करूँगा जो भी, और कैश भी दिए थे हमको शानू भाई ने। कितने पैसे दिए अभी तक? 14,000 रुपये दिए। 14,000? 5 भी कोई आया बोल? हाँ, 5 कोई दुकानदार है, उन्होंने भी दिए थे 5,000 रुपये। और ये भी बोले आगे का कुछ भी रहेगा तो हम मत, हमें बताइए किसी के पास मत जाओ। और ये जो खबर आई है वो सरासर गलत है, कोई ये न्यूज़ वाले ने फैला दिया। महिला जो इंटरव्यू दे रही है वो चैनल पर, तो वो कौन है आपके, क्या रिश्तेदार वगैरह, क्या लगता है? नहीं सर, हम पहचानते नहीं है कौन है क्या, कहीं के होंगे दूर के, वो अपन नहीं पहचानते। लेकिन उसमें जो क्यूआर कोड दिखाया जा रहा है वो क्यूआर कोड जो है आपके ही कोई सुरैया करके है उसका है? वो डाला है सुरैया करके, सुरैया मेरी साली है, लेकिन सुरैया को भी नहीं मालूम वो कोड वहाँ पे कैसे आया, उसको भी नहीं मालूम। नहीं मालूम मतलब आप महिला को भी नहीं जानते जो बाइट दे रही, इंटरव्यू दे रही? नहीं नहीं, हम नहीं जानते, उसको भी नहीं जानते। तो ये सरासर मतलब गलत है ना, कि मदद करने के बावजूद भी इनकार किया जा रहा है कि मदद नहीं किया है किसी ने, बस फोटोग्राफी और अपने पॉलिटिकल लेवल पे एक काम किया जा रहा है। नहीं नहीं, गलत है ना ये, जब पूरी हेल्प मिल रही है, पूरा सपोर्ट मिल रहा है शानू भाई की तरफ से, तो ये जो भी न्यूज़ दे रहे हैं वो गलत है। आपका मतलब है कि जो खबर चली है गलत चली? बिल्कुल सरासर गलत है। एक वॉइस रिकॉर्डिंग की भी है उसमें न्यूज़, वॉइस रिकॉर्डिंग आप पहचाने वॉइस किसकी है वो?
उसमें साफ कहा जा रहा है कि ना ही शानू पठान हॉस्पिटल में आए, ना मर्जी आई, कोई भी आया नहीं मदद। नहीं भाई, हम लोग जानते नहीं, आवाज नहीं पहचाने हम। चलो मुंह खुला भी रहता तो पहचान भी लेते थे, मगर वो मुंह ढका हुआ, नहीं पहचानते, नहीं पहचाने, आवाज नहीं पहचाने हमको। शुरुआत से एंडिंग तक तो आप ही भाग रहे हो, हम भाग दौड़ में हम लोग लगे, जो भी मदद हो रही है हम लोग उनके पास लाके दे रहे हैं, पढ़ान कर रहे हैं, पूरी पूरी मदद कर रहे हैं, पूरा सपोर्ट मिल रहा है उनका। उसमें बताया जा रहा है 80% तक जले हुए हैं, आपके हिसाब से कितने परसेंट? 80% नहीं है, कम है कुछ। अभी अभी स्थिति ऐसी है, परसों तो बादशाह बहुत अच्छे थे, नहीं कल से थोड़ी तबीयत ऐसी हो गई उनकी नाजुक। मगर भाभी तो हमारी बोल भी नहीं पा रही, इशारा दे रही है, और जो भी लोग देख रहे हो सब लोग दुआ करो उनके लिए, बच्चे माशाल्लाह अच्छे आ जाए चारों। जिस चैनल पर ये खबर चली है आपने उनसे संपर्क वगैरह कुछ किया कि नहीं? ये तो मुझे अब किसकी बाइक लेकर चला रहे हो, ये हमारे परिवार के हैं या नहीं है, इस बारे में कुछ संपर्क किया? नहीं, ये तो मुझे अभी अभी जानकारी हुई है, ये न्यूज अभी अभी देखा है मैंने, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है हमें। तो अभी आगे आपको शानू पठान की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि शानू पठान की तरफ से भी ये एतराज़ जताया जा रहा है कि इतना मदद करने के बावजूद भी उन्हें जो है मीडिया के जरिए बदनाम किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि हम उन्हें नहीं जानते, तो अभी क्या? नहीं भाईजान, मेरे हाथ में गिन के दिए शानू भाई ने केस, उनका गुस्सा जायज है, मैंने भी दिया और यहाँ के कई अन्य लोगों ने भी दिए। नहीं नहीं, किसी ने नहीं दिया, कर दिए देने के लिए कि शानू भाई, शानू भाई ने ये लोग मदद करने के लिए सब खड़े थे, शानू भाई के हाथ में दिए थे ये लोग सब मदद करने के लिए, ये भाई भी है मदद करने के लिए सब खड़े थे, लेकिन शानू भाई बोले किसी को कोई चंदा मत को, चंदे में 2-4-5-10 हज़ार रुपए जमा होगा, वो पूरा जो भी खर्चा रहेगा मैं दूंगा। अच्छा, पूरा खर्चा उठाने के लिए दे जी बोले थे। अच्छा, उस कोर्ट में सुरैया का जो है स्कैनर चल रहा है जी, आपने सुरैया से बातचीत की, उन्होंने क्या बताया? सुरैया से मेरी बात हुई थी, लेकिन सुरैया इस बात को इनकार कर रही है कि मेरे को नहीं मालूम कि ये मीडिया पे कैसे आया। वो तो अस्पताल में लगी हुई है, वो बाहर जाना आना नहीं है उनका, वो पूरी वहाँ पर लगी हुई है। मेरी तो आप लोग क्यों बोलोगे? सही बात है ना।